तो मेरे सारे भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। तो अभी आप लोग सब तो जानते हैं टीओडी का प्रोटेस्ट चल रहा है बहुत बड़ी जोर से। तो मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ, टीओडी तो सही नहीं है और सरकार इसके ऊपर बिल्कुल सोचेगी और टीओडी पक्का जरूर बंद करवाएगी, ये तो मेरी आशा है। तो चलिए दोस्तों, आज की मेरी वीडियो जो है मेन जरूरी बात आप लोग को बताना चाहता हूँ, जो पिछले बार जो कांस्टेबल क्रू बीएसएफ की ट्रेड टेस्ट में क्या पूछा गया था उसके संबंधित में आज आप लोगों को बताऊंगा। क्या पूछा गया मतलब प्रैक्टिकल होता है, ठीक है, इसका ट्रेड टेस्ट थोड़ा पूरा बहुत थोड़ा जानकारी लेना पड़ेगा, ठीक है। आप लोगों को जाके जहाँ पे अपना जो वोटिंग्स होता है, ठीक है, वहाँ पे जो क्रू काम करते हैं वहाँ से आप लोग थोड़ा सा हल्का फुल्का आप लोग को काम के संबंधित जानकारी लेना पड़ेगा। तो फिर भी मैं आप लोग को आपकी मैं कम से कम 20-30 वीडियो अपलोड कर लूँगा जिसमें सारे के सारे ट्रेड की क्वेश्चन रहेगी और सारे के सारे ट्रेड रिलेटेड सब कुछ आप लोग की मिल जाएगी, ठीक है। जैसे आप लोग आराम से बिल्कुल आराम से आप लोग कांस्टेबल क्रू में आप लोग नौकरी पा सको। सबसे बड़ी टेंशन हो रही है कि भाई आप लोग इसमें टीओडी हो गया कि ना, पैरामिलिट्री में अभी कोई टीओडी का कोई ऑप्शन नहीं आया है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो शूट करते हैं। जो भाई पहली बार वीडियो देख रहे हैं, जो रेड कलर सब्सक्राइब बटन दिख रहे हैं तो सब्सक्राइब को दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय जगन्नाथ। तो ये जो जितना सब कुछ मैं बताऊंगा अभी, तो इसके बारे में सब कुछ ट्रेड टेस्ट में पिछला बार प्रैक्टिकल में पूछा गया था, ठीक है, जो बीएसएफ की वाटर विंग की भर्ती होता है, तो इसके बारे में सब कुछ पूछा गया था। तो दोस्तों, जो लाइफ सेविंग अप्लायंसेस मतलब हिंदी में कहते हैं जीवन रक्षक उपकरण जो होता है, ठीक है, तो ये किसका पार्ट है? सोलास कन्वेंशन व सोलास सिस्टम का पार्ट है। सोलास का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी, तो इसका फुल फॉर्म है ये। तो ये सारे के सारे जो है ये रहता है, ठीक है, लाइफ सेविंग एप्लीकेशन जैसे लाइफ जैकेट, लाइफ बॉय, लाइफ लाइन, लाइफ ट्रैप, लाइफ बोट, ठीक है, ये सारे रहता है। हैंड फ्लायर्स, बॉयनेट स्मोक सिग्नल्स, ठीक है, अब लगा मेराइन एवैक्यूशन सिस्टम, ये सब कुछ रहता है, ठीक है। बीएसएफ में इसी में भी कुछ यूज किया जाता है और कुछ ऐसा है बहुत ही बड़ा बड़ा शिप जो होता है, जैसे हमारा टाइटैनिक फिल्म दिखे होगी, टाइटैनिक जैसा बहुत ही बड़ा बड़ा शिप जो होता है ना, उसी में इस्तेमाल किया जाता है ये सारे के सारे लाइफ सेविंग अप्लायंसेस। आप लोग को ट्रेड टेस्ट में पूछा जाएगा, देखिए ये सामान रखा हुआ मिलेगा आप लोग को, तो सबसे पहले इसका जो है नाम बताइए, इसका काम बताइए, ठीक है, पहला क्वेश्चन आएगा, इसका पहले नाम बताइए, इसका काम बताइए। तो इसका नाम क्या है? लाइफ बॉय बोलते हैं या लाइफ रिंग भी बोलते हैं, ठीक है, लाइफ बॉय बोलते हैं या लाइफ रिंग भी बोला जाता है। तो दोस्तों आप लोग देख लो, लाइफ बॉय एक जीवन रक्षक रिंग है जिसे किसी व्यक्ति को पानी में फेंकने, उछाल प्रदान के लिए, डूबने से रोकने के लिए डिजाइन किया जाए। जैसे कोई आदमी यदि पानी से डूब जाता है ना, इसको जल्दी से जल्दी तुरंत सबसे जल्दी इसको फेंक जाता है वो आदमी, इसके अंदर क्या है ना, ये जो है गोल सा जो है उसके अंदर रहता है, उसके अंदर रहने से वो आदमी डूबता नहीं है, आराम से तैर जाता है, ठीक है। तो इसके लिए इसको लाइफ सेविंग में इस्तेमाल किया जाता है, जीवन रक्षक उपकरण में इसको इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों मैं आप लोग बताना चाहता हूँ, ये जो लाइफ बॉय लाइफ रिंग होता है ना, उम्र के हिसाब से बच्चों के लिए, ठीक है, ये साइज रहता है, ठीक है, जो थोड़ा जवान है उनके लिए ये साइज रहता है, और ज़्यादा थोड़ा पुराना है, जो थोड़ा जो आदमी मोटा है उनके लिए ये कुछ साइज का, लार्ज साइज का रहता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग को पूछा जाएगा, आप लोग को पक्का जरूरी इस चीज़ को बताना है, नहीं तो ट्रेड टेस्ट में पास नहीं होगा। इसका ट्रेड टेस्ट बहुत हार्ड है, तो मैं आप लोग को तैयारी करवा दूंगा। तब तक सबसे पहले आप लोग हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। देखिए भाई, वो इसकी बारे में, इसका इस्तेमाल के बारे में और इसका काम के बारे में और इसकी संबंधित 100% कांस्टेबल क्रू में आप लोगों को पूछा जाएगा। देखिए ये आप लोग को क्या बोलते हैं, लाइफ जैकेट, बहुत सारे भाइयों ने इसके बारे में जानते पर पूरा अच्छा से नहीं जानते। ये देखिए फोम का बना हुआ होता है, ठीक है, ये फोम का बना हुआ रहता है, इसके ऊपर जैसे प्लास्टिक का पॉलिस्टर का एक, ठीक है, लेदर रहता है, ठीक है, पॉलिस्टर का एक रहता है, उसके बाद पहले जो काला कलर का जो बक्कल दिख रहा है उसको आदमी को बांधने के लिए, चेस्ट से और पेट के नीचे से बांधने के लिए इसको इस्तेमाल किया, इसको पहना जाता है। आप लोग जानते हो जब भी कहीं सी में कोई सफ़र कर रहा हो, ठीक है, ये बहुत ही जरूरी रहती है, लाइफ जैकेट रहता ही रहता है इस चीज़ को। दोस्तों लाइफ जैकेट जो है किसी व्यक्ति को पानी से तैरने के लिए पहना जाता है और ये महत्वपूर्ण उपकरण है जिन्होंने हजार लोगों की जान बचाने की मदद की है। एक लाइफ जैकेट आमतौर पर फोम, ठीक है, फोम और क्यूब से भरे होते हैं, पॉलिस्टर से बना होते हैं, जिसमें आगे और पीछे पर्यावर्तक पैच होते हैं, ठीक है भैया। देखिए दोस्तों, पर्यावर्तक पैच मतलब जो रिफ्लेक्टिव टेप दिख रहा है ना,
देखिए ऊपर जो रिफ्लेक्टिव टेप दिखा रहा है वही उसको परावर्तक पैच कहते हैं, ठीक है, जो कि दूर दूर तक आदमी को दिखाई जाता है। दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है रेड पैराशूट फ्लेयर, ठीक है, लाल पैराशूट रॉकेट फ्लेयर जो है मदद मांगने के लिए सिग्नल की काम करते हैं, जो लगभग 300 मीटर की ऊंचाई, ठीक है, वो उज्जवल आलोक देता है, ठीक है, जो लंबी दूरी तक संकेत भी प्रदान करता है, जिसके वजह से जो कोई भी मदद के लिए आता है जो मालूम पड़ जाता है कि किस भाई ने की मतलब परेशानी में है, ठीक है। ये लगभग 40 सेकेंड के लिए जलता है और पैराशूट जैसा नीचे आता है, ठीक है। देखिए दोस्तों आप लोग को जब इसके बारे में पूछा जाएगा, देखिए आप लोग को इसको बताना है, रेड पैराशूट फ्लेयर बोलना पड़े, इसको जो पीछे से एक होता है ना, पीछे से एक लाल कलर का एक कप होता है, उसको खोलना है, उसको खोलने के बाद इसको खींच के, ठीक है, इसको खींच के इसको फायर किया जाता है। देखिए इसे फायर किया जाता है, उसके बाद एक फटता है, फटने के बाद इसको मतलब लाल कलर सा जो है इसको नीचे आता है, जैसे पैराशूट धीरे धीरे आता है उसको नीचे आता है, जब मालूम दूर दूर तक मालूम पड़ जाते हैं भाई किस बंदों ने जहाज में फंसा हुआ है, इसको मदद की ज़रूरत है। दोस्तों इसके बाद आता है AES, ठीक है, एंटी एक्सपोजर सूट। नेक्स्ट आ जाता है इमर्शन सूट, उसके बाद थर्मल प्रोटेक्टिव एयर, ठीक है, ये जो सूट इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, इसको आप लोग इसके बारे में आप लोग को बताना है AES कौन सा है, ठीक है, उसके बाद इमर्शन सूट कौन सा है और TPA कौन सा है, ठीक है, आप लोग को बताना है, ठीक है, इस चीज़ आप लोग को पक्का 100% भी पूछा जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में देख लो, इस वीडियो में इमर्शन सूट को कैसे पहना जाता है वो आप लोग को दिखाना पड़ेगा भाई, इसी तरह इमर्शन सूट को पहना जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में जैसे लाइफ सेविंग एप्लायंस को कैसे पहना जाता है इसके बारे में आप लोग देख लो, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़रूरी वीडियो, वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों नेक्स्ट आप लोग आ जाता है लाइफ बोट। जब भी कोई नाव डूब जाता है, ठीक है, कोई जहाज डूब जाता है, शिप डूब जाता है, तो लाइफ बोट के सहारे आदमी को जिंदगी रक्षा किया जाता है, ठीक है, ये तो आप लोग को पता ही है। तो दोस्तों लाइफ बोट या लाइफ राफ्ट एक छोटी कठोर या हवा में उड़ने वाली नाव है, जिसे जहाज पर किसी आपदा की स्थिति आने पर आपातकालीन निकासी के लिए लिया जाता है, ठीक है। तो ये जहाज़ में ही रहता है, ठीक है, ये बहुत ही हर जहाज में इसको रहता है, ये बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है, आप लोग को बताना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों बॉयनेट स्मोक सिग्नल। ये बॉयनेट स्मोक सिग्नल जो होता है ना भाई, इसमें देखिए इसको खोलने के बाद लाल कलर का धुआं फेंकता है, स्मोक फेंकता है, जिसमें से दूर दूर तक इसका धुआं जाता है, मालूम पड़ जाता है कि भाई कोई भाई मतलब कोई ना कोई जहाज पानी में फंसा हुआ है जो कि डूबने वाला है, कोई ना कोई परेशानी में है, इसमें मालूम पड़ जाता है। तो आखिर में ये बोलना चाहता हूँ, यदि वीडियो सही लगा मैं ऐसे ही और भी वीडियो लेकर आऊँगा, तो तब तक आप लोग ये करना, जो रेड कलर सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको दबा दीजिए और बेल आइकन को जो घंटी दिख रहा है उसको दबा दीजिए। मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियो लेते आऊँगा जैसे आप लोग को जानकारी मिल सके। जय हिंद।